दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से निकले हुए नई वैकेंसी के बारे में। सहायक सहायिका सुपरवाइजर परीक्षा 2023 यहाँ पे 14,500 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। कोई एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस के माध्यम से भी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए जिला ब्लॉक स्तर पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पे 10-12 अगर आपने कर रखा है सिंपल सा तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है इसकी पूरी ऑनलाइन डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और कैसे अप्लाई करना वो भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ICDS की तरफ से निकली हुई यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में। यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आप भी अपने जनपद या फिर जो भी आपका जिला स्टेट वाइज यहाँ पे आप डिटेल जानना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ऐसा परफॉर्मा मिल जाएगा। वहाँ पे आपको खाली यहाँ पे जनपद का या फिर ब्लॉक का नाम दर्ज करना है, शहर ग्रामीण जिसमें भी आते हो वो सब कुछ डाल के यहाँ पे सर्च कर लेना कितनी वैकेंसीज वैकेंट है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये स्क्रीन पे बताया। अभी बात करता हूँ यहाँ पे इसकी वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है 14,560 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। सुपरवाइजर, सहायक सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, ये सब मिला के एक तरीके से 14,560 पद होते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए एक तरीके से आप दोनों ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो कार्यकर्ता है वो 5वीं क्लास पास होना चाहिए। सहायक सहायिका वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आप 5वीं क्लास पास हो तो आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे सुपरवाइजर 12वीं क्लास पास मांगा गया है तो 12वीं क्लास पास अगर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी जरूरी दस्तावेज है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है तो वो भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे आयु सीमा लिखी हुई है 21 से 45 साल कार्यकर्ताओं के लिए, 21 से 50 साल यहाँ पे आप देख सकते हो, और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो 21 से 45 साल। ये सैलरी यहाँ पे दिखा रखी है 15,500 कार्यकर्ता के लिए, हेल्पर के लिए 10,000 रुपये, पर्यवेक्षक के लिए 22,200 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहेगा। वहीं 18 से 40 साल के अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर यहाँ पे जो भी मतलब वैकेंसी है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना ये जो ऑनलाइन आवेदन बता रखा है चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर होगा, ये खाली और खाली सुपरवाइजर के लिए है तो सुपरवाइजर के लिए एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो भी वैकेंसी है सहायक सहायिका वाली, क्लर्क वाली, इसके अलावा जो भी अदर वैकेंसीज है कार्यकर्ता वाली उनके लिए एग्जाम नहीं होगा। तो आप आवेदन कर दीजिए। जो डेट्स है उसकी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ICDS की जो डेट्स लिखी गई है 18/8/2023 से लेके 20/9/2023 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है, चेक कर लीजिए। धन्यवाद।